आज का दिन कैसा गुजरता है निप्पू भाई के साथ आप देखते रहिएगा। तो हम पहले खाना वाना खाते हैं निप्पू भाई और मैं। चलो गाइज हम चलते हैं। हेलो गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक ही होंगे आप सभी। हम भी ठीक है और फिलहाल मैं ना धोकर आ गया हूँ और अभी खाना खाता हूँ फिर जाता हूँ। आज का दिन देखते हैं कैसा। भाई आ गया आपकी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चला गया था, नहीं आता है, पर आज आ गया मेरा भाई। इसके साथ देखते हैं कैसा दिन गुजरता है, कैसे गुजरता है। तो भाई को कैसा हमारा भाई। तो गाइस आज का दिन कैसा गुजरता है निप्पू भाई के साथ आप देखते रहिएगा। तो हम पहले खाना वाना खाते हैं निप्पू भाई और मैं। गाइस आज मौसम देखो, बारिश हो गई है, ये देखो पूरी मिट्टी गीली हो चुकी है। और ये भाई निप्पू है। गाइज आज का दिन है ना बहुत बेकार जा चुका है, यानी हम कहीं गए हुए थे कोई काम से, वो काम भी नहीं हुआ और पूरा दिन खराब हो गया। और अभी आए हैं घर तो ये देखो मोर आया हुआ है। यानी गाइज ये मोर है ना, ये घूमने के लिए आ जाता है बारिश के टाइम में। यानी आज बारिश हो चुकी है ना तो ये खाना खाने के लिए घर आ गया। वैसे नहीं आता, रोज नहीं आता, कभी कभी आता है। तो ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, आपको दिखाता हूँ। यहाँ बकरियों के पास बैठा है, ये देखो देखो गाइज पीछे बैक साइड में दिख रहा है ना कैमरे में, ये देखो ये मोर है। लो मोरिया आचो बोलियो रे तू, मोरिया आचो बोलियो रे तू। गाइज ये डर रहा है और जा रहा है आगे की तरफ, पर आएगा ये देखो वो चला गया। गाइज जो हमारा शेरू था ना वो मोर के पीछे भाग गया, यानी मोर को उड़ा दिया। यानी मोर है ना उससे डर के भाग गया, यानी इस तरफ आ गया। आपको दिखाता हूँ ये देखो, यानी जो की फसल थी ना पीछे या रूढ़ी के पास, वो देखो वो पीछे दिख रहा है ना टिक्कर के पेड़ के पास, वो यहाँ पे चला गया। यानी गाइज हमारा शेरू है ना वो इसको डरा दिया। यानी शेरू है ना वो इसके पीछे तो नहीं भागता, यानी रोज आता था ना पहले तब तो नहीं भागता था, आज अचानक भाग गया। यानी गाइज मैं बैठा था ना तो शेरू देखा, क्योंकि ये बकरियों के पास था ना, तो हमारा शेरू है ना तो पशुओं के पास जो भी जानवर आता ना उसको भगा देता है। तो ये मोर आया ना तो फिर इसको भगा दिया। देखो कितनी प्यारी आवाज़ दे रहा है, प्यूँ प्यूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि आज मौसम है ना बहुत अच्छा सुहाना हो रखा है, यानी शाम का टाइम हो रखा है। और गाइज ये भाई साहब जी हैं पीछे रामनिवास जी, और ये काम कर रहे हैं, यानी खेत के अंदर ये देखो फलियां तोड़ रहे हैं। यानी सहजने की फली आती है ना, ये देखो गाइज हरी फलियां, यानी खाने के लिए बहुत अच्छी रहती है, यानी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी रहती है। यानी डॉक्टर बताता है बहुत अच्छी खाने के लिए स्वादिष्ट रहती है, और यह है ना पौष्टिक है, और आयुर्वेद के अंदर बहुत ज़्यादा काम आती है सहजने की फली। और इसका जो सब्जी बनती है ना वो भी बहुत खतरनाक बनती है, यानी सब्जी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है। तो आज सहजने की फली बनेगी, यानी गाइस सहजने की फली की सब्जी बनेगी आज। और ये भाई साहब जी रामनिवास जी इन लकड़ियों को उठाकर लेकर जा रहे हैं, और मैं आया हूँ इस तरफ। गाइस ये देखो निप्पू भाई आ गया, ये देखो पीछे बैठा है यहाँ पर डोली के पास। यानी गाइस इसको देखो यहाँ पर अच्छा लग रहा है बैठना, कितना शांत बैठा हुआ, अकेला क्या सोच रहा है, गुमसुम उदास, यानी बिल्कुल छुप के बैठा था। क्या टेंशन हो रखी है भैया, क्या टेंशन हो रखी है, इसका तो दिमाग खराब हो रखा है। चलो गाइज हम चलते हैं घर की तरफ और थोड़ी चाय पीते हैं, क्योंकि थक चुके हैं, क्योंकि ये भाई लेकर गया था किसी काम से तो वो काम भी नहीं हुआ और हम थक चुके हैं। तो अब चाय पियेंगे और फिर मिलेंगे आपसे। गाइज ये है निप्पू भाई और मैं, और इसका जो दिमाग खराब हो रखा था ना वो भी ठीक हो चुका है, क्योंकि हम दोनों ने चाय पी ली है। और अभी आ गए हम रूम के अंदर, और टाइम हो रखा है करीब 7:30 बज रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो चुका है बाहर, और हम दोनों थोड़ी देर में खाना वाना खाएंगे और आज का व्लॉग यहीं समाप्त करना चाहेंगे। तो आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके गाइस।